देखो कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, मैं तो कहूँगा कि कांग्रेस एक बहुत बड़ी लंबी पैसेंजर ट्रेन है, इसमें बहुत से स्टेशन में बहुत सी सवारियाँ चढ़ती रहती है उतरती रहती है, लेकिन वो कभी नहीं रुकने वाली ट्रेन है, ये फिर फुल हो जाती है, फिर कई बार खाली हो जाती है, फिर फुल हो जाती है, इसमें कोई जाने से आने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, फुल मजबूत नहीं रुकने वाली ट्रेन। तो इस चुनाव में भी नहीं रुकेगी? बिल्कुल नहीं रुकेगी। कितनी सीट? देखो सीट का कैलकुलेशन नहीं, बहुत अच्छा बात है उन्होंने, मेरे को भी राजनीति 20-25 साल हो गए डायरेक्ट, मैं भी 3-4 चुनाव जीता हूँ, और हमने इस बार सरकार के प्रति क्षेत्र के अंदर नाराजगी है नहीं बिल्कुल। देखो मैंने बिल्कुल बारहवीं कैसे आम मीडिया वाले हो, मैं जो राजभा पार्टी बनी थी ना उसने कांग्रेस की 45 सीट हराई थी, यदि उस टाइम राजभा पार्टी नहीं होती तो मैं गारंटी साथ में कह सकता हूँ कि कांग्रेस की 60-70 सीट आई थी, क्योंकि ट्रेडिशनल जो वोट कांग्रेस का होता है उस टाइम राजभवन चला गया था, बाकी फिर ये ढूंढते रहते हैं, लेकिन मेन कारण यही था, मेन कारण ये था कि जैसे एसटी के बावल वोट कई बार का इमोशनल हो जाते हैं, भावनात्मक हो जाते हैं, लोगों ने सोचा कि करुणलाल की पार्टी है, करुणलाल मुख्यमंत्री बनेगा, तो 80% एसटी का वोट कांग्रेस को पड़ता है, विशेषकर पूरे राजस्थान के अंदर सारा का सारा वोट स्लिप हो गया था राजभवन में, इसलिए सीटें नहीं आई।